हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ और चैप्टर हमारा चल रहा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसमें हम डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन करना सीख रहे थे। इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी और बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया था। शीतल, ध्रुव और पारस, इन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किया है। तो आप इसी तरह से आंसर कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। ठीक है, आप कहीं भी बोलने के लिए, आप अपनी क्लास में बोल सकते हो, तो आप कहीं भी बोलने के लिए आपको हेजिटेशन नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इस पर बेस्ड और एक दो क्वेश्चन करेंगे और डिवीजन और डेसिमल का डिवीजन हम करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। तो ये होमवर्क क्वेश्चन आपको दिए हुए थे, तो आई होप आप इनको घर में करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, एक टू व्हीलर वाहन है जो क्या करता है, 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 55.3 किलोमीटर। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इज 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, 1 लीटर पेट्रोल में कोई टू व्हीलर जो वाहन है, ठीक है, व्हीकल्स है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 55.3 किलोमीटर। अब आपको ये बताना है कि अगर उसमें हम 10 लीटर पेट्रोल डाल दें तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको। पर इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको आप कॉपी कर लीजिए, पहले क्वेश्चन को आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जीआईसी बचवा बन बेटा, फर्स्ट रो में आप दोनों लिख नहीं रहे हो, आपके हाथ में कॉपी नहीं है। कॉपी ले लीजिए, अपनी नोटबुक ले लीजिए और साथ साथ कॉपी कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप मैथ्स में आप ऐसे बैठ के नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर ले। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 55.3 किलोमीटर। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि 10 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर, 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में आपका इतना हो रहा था, 55.3 किलोमीटर। तो आप 10 लीटर के लिए क्या करेंगे, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, क्या हो जाता है, 10 को मल्टीप्लाई करने से डेसिमल आपका 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आपका जो डेसिमल है वो 1 प्लेस आपका राइट में शिफ्ट हो जाता है, यानी आप सीधे इसको शिफ्ट कर सकते हो। बट मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए, इसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है, मींस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, जब डेसिमल हटेगा तो 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, और 10 से डिवाइड होगा तो ये कट हो जाएगा, यानी 10 लीटर में वो कितना करेगा कवर, 553 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो यही हमें निकालना था, बेसिकली हमने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन को ही देखा है। ठीक है, तो इसका जो मेथड है करने का, जो स्टोरीज हम आपके पास होते हैं इस तरह के, तो आप क्वेश्चन से ही इसको निकालेंगे कि
उसने 1 लीटर में, टू व्हीलर ने 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर किया है? 55.3 किलोमीटर। अब 10 लीटर के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से है ये क्वेश्चन कि अगर आपकी एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो 5 चॉकलेट कितने की होगी? तो आप 5 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट। फिर हम नए टॉपिक का चलेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, तो कॉपी कर लिया आप लोगों ने? हाथ खड़े कीजिए जिसने कॉपी कर लिया है। ऐसे पोखाल से ही पीछे की गर्ल्स ने सिर्फ कॉपी किया है, फटाफट इसको कॉपी कर लें। ठीक है, इसको आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक नए टॉपिक पर चलेंगे, जहां पर हम क्या करेंगे, अभी हमने हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स नंबर। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। अभी तक हमने मल्टीप्लीकेशन किया है, यानी कि गुणा किया था, अब हम भाग करेंगे डेसिमल नंबर का। ठीक है, तो हेडिंग डाल लिया सब बच्चों ने। तो फर्स्ट आपके पास जो है वो है डिवीजन बाय 10, 100 and 1000। तो जब भी आपका इस तरह से डिवीजन आ जाए किसी डेसिमल नंबर के साथ, तो आप क्या काम करेंगे? ठीक है, साथ साथ आप लिखते रहेंगे इसको, डिवीजन ऑफ 10, डिवीजन बाय किससे डिवीजन करना है? 10 से, 100 से और 1000 से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं डिवीजन बाय 10 से डिवाइड कैसे करते हो किसी नंबर को, ठीक है, वो भी डेसिमल नंबर को। तो लेट सपोज मेरे पास 3.5 है और इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ किससे? 10 से। इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 10 से। तो यहां पर पहले मैं इस डिवीजन के साइन को इस तरह से लिखती हूँ 3.5, ठीक है, और डिवीजन है तो इसको मैं क्या करूंगी, अपॉन में 10 कर दूंगी या फिर इसको 1/10, ठीक है, 1/10। इसका मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। जब हम किसी नंबर को, यहाँ से आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम किसी नंबर को क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हो तो आप क्या करते हैं, उसके रेसिप्रोकल पहले आप निकालेंगे जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो। तो रेसिप्रोकल आपको पता है किसी को? आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था रेसिप्रोकल निकालना, किसी बच्चे को पता है? फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में, किसी को नहीं पता? आप माइक ले लीजिए बच्चा, माइक ले लीजिए। चलिए बताइए 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा? मैम 1/10। वेरी नाइस। आपका नाम? मौलिक जैन। वेरी गुड बेटा, 1/10। और किसी बच्चे को नहीं पता रेसिप्रोकल?
अपॉन फाइव का रेसिप्रोकल क्या है? मौलिक देन के अलावा कोई बच्चा बताए? जीआईसी धीरी, जीआईसी औड़ीखाल, जीआईसी बचुआपन से कोई? गुड मॉर्निंग बेटा। मैम इसका रेसिप्रोकल होगा 5/2। आपका नाम? मैम आद्या जैन। आद्या जैन, वेरी गुड। जीआईसी औड़ी खाल से बहुत अच्छे बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा। इनके लिए सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे और बच्चे देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है? जीआईसी भीरी खाल से आप भी इनके लिए क्लैपिंग करेंगे, बहुत अच्छे। आप जो पढ़ रहे हो उसको यूटिलाइज कर रहे हो। देखो आपने जो पीछे पढ़ा था, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे आपको हर बार दिक्कतें आएगी और मैथ्स आपको ऐसा लगेगा कि ये बोझ हमारे सर पे रख दिया है, क्योंकि आपने पीछे के कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं। अब जिस बच्चे को रेसिप्रोकल नहीं पता तो वो डिविजन कैसे करेगा, ठीक है? इसलिए ध्यान दीजिए क्लास में, ठीक है? आप जितना आपको टीचर, आपके स्कूल में भी टीचर पढ़ाते वहां पर भी आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपकी ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस हो रही है, ज्यादा से ज्यादा आंसर कीजिए। आप एक बार गलत करेंगे तो अगली बार आप अच्छा आंसर करेंगे, ठीक है? आप डरिए मत, शर्माइए मत, ठीक है? आप, हम अपनी जितनी गलतियों को बाहर निकालते हैं तो हमें पता चलता है, दूसरा जब उस चीज को बोलता है तो हमें लगता है हाँ ये गलती हमने है, ये गलती हम कर रहे हैं, ठीक है? और अगर हम बच के रहेंगे तो हमेशा हम पीछे छूट जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ देखिए आप, पीछे का कॉन्सेप्ट आपको कितना काम आता है। आप मैथ्स में एक चेन है, मैथ्स अगर एक चेन टूट गई तो आपकी पूरी माला बिखर जाएगी, ठीक है? तो मैथ्स को आप हर कॉन्सेप्ट को लेके चलिए, ठीक है? अगर कहीं से आपकी एक चेन टूट गई तो माला को संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। और फिर आपको हमेशा, जब तक आप पढ़ोगे, कम से कम 10 तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो आपको मैथ्स इतना भारी लगेगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट, आप मैथ्स में घुस के जाइए, मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है आपका, ना तो आपको यहाँ रटने की जरूरत पड़ती है। आप इसको करेंगे, जब आपके समझ में आएगा ना तो आप क्वेश्चंस को एंजॉय करके किए करेंगे, ठीक है? तो बच्चे पीछे के जो आपको समझाया जा रहा है उसको आप हल्के में मत लीजिए। कोई बात नहीं, इसको नहीं करूंगा तो अगले चैप्टर को कर लूंगा, क्योंकि मैथ्स हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर हर किसी से जुड़ा हुआ है। और एक कॉन्सेप्ट आपने छोड़ दिया तो यानी वहां से आपको लगेगा क्या है ये रेसिप्रोकल, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। बल्कि आपने इसी चैप्टर में, फ्रैक्शन में मैंने आपको रेसिप्रोकल पे बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, ठीक है? और जीआईसी पोखाल से बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, तो मैं इनके लिए क्लैपिंग खुद भी करूंगी। बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, कीप इट अप। आप इसको कंटिन्यू करें, आप अपने कॉन्सेप्ट को देखिए। रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर यानी हर को अंश बना देते हैं और अंश को हर बनाते हैं। इतनी सी बात थी बट ध्यान नहीं दिया तो नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, अंश को हर बनाते हैं, हर को अंश बनाते हैं, डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर बनाते हैं। ये आपका ऊपर आपका क्या होता है, अंश होता है। ऊपर जो नंबर आप रखते हो इस नंबर को हम अंश कहते हैं, और ये नंबर आपका हर होता है, ये आपका न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है? अब यहाँ पे 2/5 है, सीकल ने हमें आंसर किया कि 5/2 हो गया, तो उसने क्या कर दिया, नीचे हर को अंश बना दिया और अंश को हर बना दिया, ठीक है? पारस ने हमें जवाब दिया 10 का, तो पारस ने क्या काम किया, पहले होल नंबर को क्या बनाया है, फ्रैक्शन बनाया है। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगा कि होल नंबर 10 क्या है, एक होल नंबर है। इस होल नंबर्स को हम पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, और फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर्स को आप 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है? तो पारस ने यहाँ पर क्या काम किया, उसने पहले इस 10 को फ्रैक्शन बनाया, उसने क्या काम किया, 10 के नीचे से 1 रख दिया। अब उसे ये पता चल गया ये हर है, ये अंश है और ये हर है, तो उसने क्या काम किया, इसका रेसिप्रोकल निकाला, 1/10, ठीक है? समझ में आया आप सबको, रेसिप्रोकल क्या होता है? जीआईसी धीरी से बेटा समझ में आया तो हाथ खड़े कीजिए, नहीं आया मैं आपको एक बार और बताऊंगी।
अगर आप किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, माइक लेके आप पूछ लीजिए कि हमें ये चीज समझ में नहीं आए, मैम आप दोबारा बताइए। चलिए कुछ बच्चों को आ गया, जिन बच्चों को नहीं आया मैं एक बार और बताती हूँ। देखिए फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में ऊपर वाला नंबर आपका अंश होता है जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हम हर कहते हैं जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं। जब हम भिन्न का रेसिप्रोकल निकालते हैं तो हम हर को यानी कि नंबर को ऊपर नीचे कर देते हैं बस। तो हमने क्या करना है, 2 को ऊपर नीचे ले जाना है और 5 को ऊपर ले जाना है, इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब आपके पास कोई होल नंबर 5 है, अब मैं कह रही हूँ बेटा इसका रेसिप्रोकल बताइए। आप कह रहे मैम ये तो भिन्न ही नहीं है, ये तो फ्रैक्शन ही नहीं है, इसको हम कैसे रेसिप्रोकल बनाएं। तो आप पहले क्या काम करेंगे, आप पहले इसका भिन्न बनाएंगे और भिन्न बनाने के लिए आप सारे होल नंबर्स के डिनोमिनेटर यानी कि हर में आप 1 को लिख लेंगे। अब ये भिन्न बन गई, अब ये आपका न्यूमरेटर बन गया यानी कि अंश, और ये आपका डिनोमिनेटर बन गया ये यानी कि हर। ठीक है, यहाँ से हमने क्या काम किया है, अब हम इसको क्या कर लेंगे, अदल बदल लेंगे, ऊपर के नंबर को नीचे ले जाएंगे और नीचे के नंबर को ऊपर ले जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल, और ये भी आपके सिलेबस में है। तो आपने वहां ध्यान नहीं दिया तो यहाँ आपका स्किप हो गया। तो अब आप इसको ध्यान दीजिए, हर कॉन्सेप्ट को लेके चलिए। ठीक है, एक आधे घंटे में 35 मिनट्स में आप अगर अच्छे से समझते हो तो घर जाके आप खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे कि आज हमने ये सीखा था, इस पर क्वेश्चन करते हैं, और 2-3-4 क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको मैथ इतना मजेदार लगेगा। ये तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, और है भी ये इजी सब्जेक्ट है, बट कॉन्सेप्ट के क्लियर ना होने की वजह से हमें मैथ ऐसा लगता है कि ये बर्डन है, इसको हम कैसे छूटे ये हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या निकालना है, रेसिप्रोकल। ठीक है, आई थिंक सबको ये समझ में आ गया है कि रेसिप्रोकल क्या होता है। तो नंबर्स को हम जब क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में हम रख देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये रेसिप्रोकल है उस नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या कहा, जब हम किसी डेसिमल नंबर को 10 के साथ डिवाइड करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे दूसरे वाले नंबर का जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आई बात, एक बार फिर से सुन लीजिए, जब हम किसी डेसिमल नंबर या किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो तो आप क्या काम कीजिए, इसका रेसिप्रोकल लिख लें और यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लें, और मल्टीप्लाई करना आपने पीछे सीख लिया है तो वहां से तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक देखिए 3.5, अब मैंने क्या काम करना है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले मुझे पता होना चाहिए 10 का रेसिप्रोकल क्या है, तो 10 का रेसिप्रोकल 1/10 है, क्योंकि 10 को हम पहले डिवाइड किसमें, भिन्न में बदलेंगे और 1 करेंगे, और यहाँ अगर आपका मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो इसको हमें पहले बनाना पड़ेगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो और हम एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया और इसका रेसिप्रोकल लिख लिया। अब देखिए इसको भी हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे 3.5 को, तो इसको हम भिन्न में बदलने के लिए दोबारा से ध्यान दीजिए, एक नंबर के बाद डेसिमल है तो 10 को डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1/10। ठीक है, सारी कड़ियां जुड़ी होती हैं आगे से, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35/100, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए कोई बच्चा, सब हम पढ़ चुके हैं, माइक लेके कोई भी बच्चा इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, 35/100 को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। किसी बच्चे को अगर आता है तो आप माइक लेके आंसर कीजिए। GIC पौड़ी खाल से मैम 0.35। 0.35, आपका नाम? मैम मौली जैन।
मौलिक जैन। तो देखिए, वेरी गुड मौलिक जैन, बैठ जाइए बेटा। वेरी गुड, जैसी पौड़ी खाल के बच्चे बहुत ही अच्छे से आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब वो ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 2 जीरो है, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल। आपको ये बिल्कुल खिचड़ी जैसी लग रही होगी, जिसने जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, ठीक है, तो हमें 2 नंबर के बाद, 2 डिजिट के बाद आपको 0 डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 0 ऊपर आपके डिनोमिनेटर में कितना है, 3 और 5, तो 2 नंबर के बाद आपने डेसिमल लगा लिया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। तो फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे कि किस तरह से हम इसको कुछ और नंबर लेते हैं यहाँ। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 4.25 डिवाइडेड बाय 10। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, बट पहले हमें इसको इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 4.25 मल्टीप्लाई बाय 1/10, 10 का रेसिप्रोकल हमने लिखा और मल्टीप्लीकेशन का साइन कर दिया। तो जब भी आप रेसिप्रोकल लिखेंगे तो पीछे आगे डिविजन को आप मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है, तो गुणा का साइन कर दिया। अब इसको हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 4.25 इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, जीआईसी धीरी आप आंसर कीजिए। 4.25 को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको आता है ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, नहीं आता है तो हाथ खड़े कीजिए धार चूल्हा से, आता है तो माइक ले लीजिए। चलिए बोले बच्चे। यस मैम। क्या चीज, आपको आता है या नहीं आता है? मैम समझ में आ गया। नहीं समझ में तो ठीक है, बट आपने, आपको यहाँ क्वेश्चन कर रही हूँ, 4.25 को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आता है आपको? मैम उनको भिन्न में बदलना है ना? हाँ भिन्न में बदलना है। आप क्वेश्चन को कॉपी नहीं कर रहे क्या? कर रहे। अच्छा तो बताइए, आता है आपको या नहीं आता है? मैम नहीं। ठीक है, इसका मतलब आपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, यानी कि भिन्न वाले जो टॉपिक आपका चल रहा था, वहां ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। वहां पर हमने भिन्न को दशमलव में बदला है और दशमलव को भिन्न में बदला है, ठीक है। जीआईसी लकी बाग से ये तो देख के ही पता चल जाता है किस तरह से इसको भिन्न में बदलते हैं हम। हेलो मैम। हेलो बेटा। मैम हमें समझ में नहीं आया। इसको भिन्न, मैम दोबारा समझा दो। अच्छा ठीक है, समझा तो मैं आपको मैम की, बट मैं आपसे, मेरा आपको यहाँ पर क्वेश्चन है कि 4.25 को आपने भिन्न में बदलना है, और ये मैंने भिन्न में आपको बहुत अच्छे से कराया है, भिन्न को दशमलव में बदलना और दशमलव को भिन्न में बदलना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इस 4.25 को डिवाइड करना है 10 से। तो पहले हम क्या करेंगे, 10 का रेसिप्रोकल लिखेंगे और डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हम इसको बदलेंगे किसमें, भिन्न में। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो आप नीचे क्या काम करेंगे, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/10, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 425 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब इसको आप डेसिमल में बदलिए, देखिए खेल वही चल रहा है यहाँ पर। अगर आपने फ्रैक्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला है।
यहाँ हमने क्या किया, दशमलव को भिन्न में बदला। अब जो आपका आंसर आया, अब हम भिन्न को फिर दशमलव में बदलेंगे। तो जब तक आपको ये चीजें नहीं आएंगी तो आप डिवीजन करना सीख ही नहीं सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे 425 अपॉन 1000 को आप डेसिमल में बदलिए, किसी बच्चे को आता है? चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ डेसिमल में इसको आप कैसे बदलेंगे। यहाँ पे देखिए आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर में आपके 3 जीरो हैं, तो आपने क्या करना है, 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके 4, 5, 2 और 4, इसके बाद हमें डेसिमल लगाना है, आगे से हम जीरो लिख लेंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.425, ठीक है। तो डिवीजन करने के लिए सबसे पहले आपको डिवीजन को, डेसिमल को फ्रैक्शन बदलना, फ्रैक्शन में बदलना यानी कि भिन्न में बदलना, और भिन्न को दशमलव में बदलना, ये आना चाहिए, ठीक है। रेसिप्रोकल निकालना आपको आना चाहिए, तभी आप उसके भिन्न, उसके डिवीजन यानी कि उसके भाग को कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क के लिए, इनमें आप क्या काम करेंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जीआईसी भीरी से कल क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, आज उन्होंने कोई भी आंसर नहीं दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे सारे बच्चे, कन्वर्ट इनटू डेसिमल, तो आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए फटाफट होमवर्क। फर्स्ट है आपका 0.2, क्या कह रहे हो, 3.2, अभी अभी नहीं आंसर करना है आपको, ये होमवर्क है आपके लिए, आप सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, कल की क्लास में आपको इसके आंसर पूछे जाएंगे, ठीक है। यस मैम। चलिए कॉपी कीजिए इसको। तो बच्चों चलिए आज की क्लास में हमने मल्टीप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चन किए हैं और डिवीजन के पार्ट्स को हमने स्टार्ट किया है, इसमें हमने रेसिप्रोकल निकालना सीखा है, और कल की क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।